दोस्तों स्वागत है आप सबका मेटा के और एक एपिसोड में। और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आ रहा है ग्लोबल बैकलैश के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से चाइना के ऊपर बाकी सारी कंट्रीज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। और आज की डेट में कंडीशन ऐसा हो गया है कि ऑल द वर्ल्ड वर्सेस चाइना, यानी सारी की सारी कंट्री एक तरफ और चाइना एक तरफ, ऐसा हो गया। क्योंकि चाइना के ऊपर वैसे भी बाकी सारी कंट्रीज को पहले से बहुत सारा डाउट है, बहुत सारी वो हम बोल सकते हैं थोड़ी डाउटफुल कंट्रीज सारे लोग बोलते हैं। और इस वजह से ये कोरोना वायरस की वजह से सारी कंट्रीज यहाँ पे चाइना को ही दोषी ठहरा रही है। दूसरा जो अपडेट आ रहा है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में, ये भी बहुत सीरियस अपडेट है। यहाँ पे लासाम स्टेट में लगभग 2000 जो पिग्स थे उनकी मौत हो चुकी है। और ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू यहाँ पे डिटेक्ट हुआ इंडिया में, ये बहुत सीरियस चीज है। तीसरा जो अपडेट ये आ रहा है क्यूर फिट के बारे में, जो कि मिंद्रा की एक सब ब्रांच कंपनी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्यूर फिट ने यहाँ पे लगभग उनके हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को निकाल दिया, और उसमें से बहुत सारे लोगों के पे कट भी किए, लोगों की सैलरीज कम की है, क्योंकि उनके ऑपरेशन इंडिया में उन्होंने कम कर दिए इस लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पे चौथा जो अपडेट आ रहा है बंगाल, बिहार, यूपी और एमपी के बारे में। यहाँ पे ये जो चार स्टेट है वो सबसे पीछे है यहाँ पे कोविड 19 के टेस्टिंग के लिए, यानी बाकी स्टेट और बंगाल, बिहार, यूपी और एमपी, ये चार स्टेट बहुत पीछे है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे सबसे लास्ट अपडेट है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है यहाँ पे पोस्ट लॉकडाउन नॉर्म्स, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लॉकडाउन उठने के बाद भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ निर्बंध लगाने वाली है गवर्नमेंट, और ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आप लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।